नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करेंगे। और दोस्तों, बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त मिल चुकी है तो आपको बता दें कि अब आगे की किस्त आपको शायद हो सकता है नहीं मिले। आप बहुत दिनों से आगे की किस्त के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर एक सुधार करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऐसे बहुत से किसान हैं जिनको पहली किस्त मिल चुकी है लेकिन आगे की दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखिए, मैं एक आधार नंबर टाइप कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने आवेदन किया था इस आधार नंबर से। जो ये यहाँ पे मैं आधार नंबर टाइप कर रहा हूँ, इससे मैंने आवेदन किया था और इन आधार नंबरों के किसान हैं उनको पहली किस्त भी मिल चुकी है लेकिन इनके मोबाइल पे अब एक SMS आया है कि उन्हें एडिट करवाना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है फर्स्ट किस्त है वो यहाँ पे डन हो चुकी है, यानी पहली किस्त मिल चुकी है लेकिन इसके बावजूद अब इनके पास एक SMS आया है। उस SMS में लिखा है कि आपके आवेदन और आधार कार्ड के अंदर नाम है वो विसंगत, यानी मैच नहीं कर रहे हैं। आपको फार्मर कॉर्नर पे जाके या फिर अपने नोडल अधिकारी के पास जाके ये आपको सुधार करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों ये जो SMS प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त हो रहा है जिनके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल संख्या जुड़ी हुई है। दोस्तों, हो सकता है कि अगर आपको ये SMS प्राप्त ना हो लेकिन आपको ये चीज़ें चेक जरूर कर लेनी चाहिए वरना आपको आगे की किस्तें हैं वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आपको इस पोर्टल पे आना है, ये पोर्टल कभी काम कर रहा है कभी काम नहीं कर रहा है तो आपको बार बार इसे चेक कर लेना है जब तक आप इसे चेक नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ पे आप स्टेटस में आके देखोगे तो यहाँ पे देखिए, इनको बता रहा है पहली किस्त मिल चुकी है लेकिन फिर भी इनके पास SMS आया है कि आगे की किस्तें पाने के लिए आपको जो आपका आधार है उसके अंदर एडिट करना होगा। तो यहाँ पे इस पोर्टल पे आ जाइए, इसका लिंक उस SMS में दिया होगा, इस पोर्टल का लिंक आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करते यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे फार्मर कॉर्नर पे क्लिक करके और एडिट आधार पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, फिलहाल इस पोर्टल पे काम चल रहा है तो ये ओपन नहीं हो रहा है लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ पे आधार नंबर वगैरह डाल के आप आसानी से एडिट कर पाओगे। उसके अलावा नए रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से आप कर सकते हो और स्टेटस चेक करने का फिलहाल काम कर रहा है, बाकी के जो है ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पहली किस्त मिल चुकी थी या फिर नहीं मिली है और आगे की किस्तों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उससे पहले आप अपने फॉर्म में ये एडिटिंग यहाँ से ज़रूर कर लें। इसके अलावा IFC कोड वगैरह अगर गलत है, बैंक संख्या गलत है, उनके लिए आपको अपने कृषि अधिकारी या फिर पटवारी या फिर अपनी तहसील में संपर्क करना होगा या फिर ई-मित्र सेंटर पर जाके या फिर CSC सेंटर पर जाके या बैंक संख्या IFC कोड चेंज कर सकते हैं। नाम अगर गलती है नाम में तो आप इस पोर्टल के जरिए चेंज कर सकते हैं। बैंक संख्या IFC कोड अगर गलत हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो अपने नज़दीकी CSC सेंटर या फिर ई-मित्र सेंटर या फिर अपने कृषि अधिकारी के पास जहां आपने आवेदन किया है वहीं जाके आप IFC कोड और बैंक संख्या चेंज करवा सकते हैं। इनके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नाम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एडिट आधार डिटेल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बैंक की डिटेल यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी सभी किसानों तक ज़रूर पहुँचाइए क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको मालूम नहीं है पहली किस्त मिल गई है और दूसरी किस्त के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास SMS नहीं आएगा क्योंकि उन्हें हो सकता है उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि वो अपना नाम इसी पोर्टल के जरिए स्वयं अपने मोबाइल से एडिट कर पाए। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में था इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।